हे hey दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे हाई टिकट जो प्रोडक्ट है उनको सेल कर सकते हैं और कैसे आप बहुत ही तेजी से सुपर फास्ट तरीके से 1K डॉलर मतलब 70,000 रुपए अर्न कर सकते हैं और इसको कंटिन्यू अर्न कर सके। ऐसे आप कैसे कर सकते हैं हाई टिकट प्रोडक्ट को सेल करते हुए, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है और आपको क्यों करना चाहिए, सब मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बोलूंगा कि पूरा वीडियो जरूर देखें एंड इस चीज को अप्लाई जरूर करें ताकि आपको बेनिफिट हो। बिकॉज गाइस, मैं ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इसलिए लेके आता हूं ताकि आप लोग इन चीजों को अप्लाई करके आगे बढ़ें, और इन चीजों को अप्लाई करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आप एक्शन जरूर लें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि गाइस, क्या आपको क्या लगता है कि कभी आपने ऐसा सोचा है अपना 1 मिनट निकाल के, जो एफिलिएट मार्केटर्स या जो ऑनलाइन मार्केटर्स हैं जो मिलियन डॉलर अर्न कर रहे हैं पर ईयर, क्या वो $100 $200 के प्रोडक्ट सेल करके अर्निंग करते हैं या वो हाई टिकट सेलिंग करके 1 मिलियन और 2 मिलियन या जितना भी अर्निंग करते हैं? क्या लगता है आपको? लेट मी नो इन द कमेंट। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, सो मेक श्योर कि आप इसका आंसर नीचे जरूर दें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सके कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो आंसर जरूर दें, क्या वो लो टिकट सेल करते हैं, क्या वो हाई टिकट सेल करते हैं? तो मेक श्योर कि आप आंसर जरूर लें नीचे। करता हूं आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन मनी में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज 1 लाइक, सिर्फ 1 लाइक करो, बिकॉज आपका 1 लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस लाने के लिए। सो मेक श्योर कि आप लाइक कर दो, लेट्स गो। सो माय नेम इज सियर, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू वॉच माय ऑनलाइन मनी एज यूजुअल। सब्सक्राइब नाउ प्लीज एंड लाइक दिस वीडियो। सो गाइस, और सबसे पहले चीज, हाई टिकट प्रोडक्ट। हाई टिकट प्रोडक्ट क्या होते हैं जिनको नहीं पता, मैं बता दूं हाई टिकट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है। हाई टिकट माने जैसे कि $100 और $300 तक के जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं लो टिकट प्रोडक्ट। ओके, लो टिकट यानी जो आसानी से सेल हो जाते हैं और जिन पे आपको उतना ज्यादा पैसा, उतना ज्यादा अर्निंग नहीं होती है, ठीक है। और हाई टिकट क्या बोलते हैं, जो $300 से लेके अनलिमिटेड डॉलर तक होते हैं उन्हें बोलते हैं हाई टिकट प्रोडक्ट, जहां आपकी अर्निंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो गाइस, सबसे पहला जो चीज है इसका डेफिनेशन बताने के बाद कि लो टिकट और हाई टिकट क्या है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताऊं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। गाइस देखो, जब हम लो टिकट सेल करते हैं तो वहां सबसे पहले तो हमारी अर्निंग ही कम होती है, और जो हमारा मेन मोटिव रहता है ऑनलाइन बिजनेस का या कोई भी बिजनेस का, वो मोटिव ये रहता है कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो, हम ज्यादा अर्निंग कर सकें, राइट। आप अपने ग्रोथ के लिए सारी चीजें करते हो, जो जेन्युइन चीजें, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ भी इसमें फालतू की चीजें ऐड नहीं कर रहा हूँ। ग्रोथ के लिए ही आदमी बिजनेस करता है, जो मेन मोटिव रहता है उसका कि पैसा, कि वो कितना अर्निंग कर सके, राइट। तो जब हम $25 या $20 या $100 या $50 या $200 की चीजों को सेल करते हैं तो हमें उतना ही एफर्ट लगाना पड़ता है जितना एफर्ट हम 300, 500 और $1,000 की चीजों को सेल करने के लिए करते हैं, ठीक है। बट एक चीज आता है, एक छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, जो सबसे बड़ा आई थिंक रुकावट होती है लोगों की लो टिकट से हाई टिकट पे जाने के लिए। मैं ये नहीं बोलता कि लो टिकट सेल ही नहीं करना चाहिए, लो टिकट बहुत गंदी चीज होती है। लो टिकट इज द स्टार्टर, ठीक है, किसी भी बिजनेस का एक स्टार्टर होता है लो टिकट, देन उसको मूव किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है हाई टिकट में। तो लो टिकट है, वो फाउंडेशन है, वो स्टार्टर है, बट आपका मेन गोल हाई टिकट पे होना चाहिए। तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि लोग हाई टिकट सेल नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनको पता नहीं रहता है प्रोसेस, और जो लो टिकट रहता है वो बिना प्रोसेस के भी सेल हो जाता है, बट जो हाई टिकट होता है वो बिना प्रोसेस के सेल नहीं होता है। बिकॉज आपको समझ ही आ गया होगा कि ये बड़ा अमाउंट है, तो लोगों को खर्च करने के लिए, लोगों से मतलब कोई भी चीज बाय करवाने के लिए, आपको उनका जो माइंड का गेम है, जो माइंड के क्वेश्चंस हैं, जो उनके डाउट्स हैं, वो सारे सॉल्व करने पड़ते हैं। और उन चीजों को सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रोसेस तैयार करना पड़ता है, एक सिस्टम तैयार करना पड़ता है, जिससे जाके आपकी हाई टिकट सेल होते हैं। अब मैं बता दूं, जितने भी आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े मार्केटर जो मिलियन बिलियन अर्न कर रहे हैं, सब हाई टिकट सेलर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लो टिकट सेल नहीं करते, जैसे कि मैंने कहा कि स्टार्टर है तो स्टार्टर की जरूरत पड़ती ही है,
स्टार्टर की तो जरूरत पड़ती है, तो स्टार्टर सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बट हाई टिकट जो है वो पूरा गेम है यहाँ से लाखों और करोड़ों में कमाने का। तो आपका जो मेन गोल होना चाहिए वो हाई टिकट होना चाहिए, तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है इसका। और अब जो दूसरी चीज, तीसरी चीज है एक्चुअली जो मैं आपको बताने जाता हूँ, मेन चीज की इसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है और ये इसको कैसे सेल किया जाता है, ठीक है। तो उसको बताने के लिए मैं सबसे पहले आपको ये चीज बोलूंगा कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी रिलेटेड टू पीडीएफ सेलिंग एंड बिग मनी गेनिंग, राइट, कि जिसमें मैंने बताया कि आपको कैसे पीडीएफ सेल करके लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं, जो फ्री में भी लोगों को बांट देते हैं या उसको लो टिकट में सेल करते हैं। तो उसके अंदर आज मैं जाके बात करने वाला हूँ कि और भी क्या चीजें हैं जिन स्ट्रेटजीज का यूज करके लोग हाई टिकट की सेलिंग करते हैं। तो गाइस सबसे पहला जो तरीका होता है उसको बोलते हैं वेबिनार। वेबिनार आपने बहुत सुना होगा या देखा होगा। अब वेबिनार में लोग क्या करते हैं और आप क्या कर सकते हो, जो मेन पॉइंट है, जो मेन मुद्दा है कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप भी वेबिनार अपना क्रिएट कर सकते हो। देखो वेबिनार को आप वर्डप्रेस या वेबिनार्स के टूल, पावर पॉइंट, बहुत सारी चीजें आती है जिसमें आप वेबिनार को तैयार कर सकते हो। अब वेबिनार में क्या होता है, लोग सबसे पहले आपको वैल्यू देना स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो सारी चीजें हैं वैल्यू पे बेस पे हैं कि आप लोगों को क्या देते हो फ्री में, राइट। अब लोग क्या करते हैं वेबिनार में बहुत वैल्यू देते हैं, आपको हर चीज के बारे में बताते हैं। लाइक अगर आप एक एफिलिएट मार्केटिंग का वेबिनार अटेंड कर रहे हो तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें कि ऐसे ऐसे एफिलिएट होता है, वैसे एफिलिएट होता है, इसमें इतना बेनिफिट होता है। एंड यहाँ पर कुछ चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि यही जो मेन चीजें हैं वो काम करती हैं किसी भी लैंडिंग पेज फनल एंड वेबिनार में। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है हुक, एंड देन होता है उसके बाद स्टोरी, एंड लास्ट में जो चीज आपको देते हैं वो उसको बोलते हैं ऑफर। तो यही तीन चीज पे बेस होता है वेबिनार। लेकिन यार आप याद रखो, जब भी आप ऐसा सोचोगे कि मुझे हाई टिकट सेल करना है, तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ मुझे सेल करना है, ठीक है। ये जो स्टोरी होती है इसमें आपको बहुत वैल्यू देनी है लोगों को, इतनी वैल्यू कि उन्हें लगे कि हाँ भाई ये जो बंदा हमें आगे कुछ रेफर करेगा या कुछ बताएगा वो असली में जेन्युइन चीजें हैं। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि लोगों का बेनिफिट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि लोग अच्छा सोचे आपके बारे में और आप उनको अच्छी चीजें दो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप उनकी केयर करो, ठीक है। जो उस तरफ वेबिनार के उस तरफ जो आपको देख रहे हैं वो एक लोग हैं, इंसान है, तो वो भी आपके जैसे सोचते हैं, आपके जैसे जीवन को जीते हैं। तो ये जो मेन पॉइंट है ना, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि उस तरफ भी लोग हैं और उनकी केयर करनी है, तो इसलिए उनको भर भर के वैल्यू देना है ताकि उनका बेनिफिट हो सके। ऐसे करके एक वेबिनार सक्सेस होता है एंड एट द एंड उनको $500 या $1,000 या $300 या उससे भी ऊपर की चीजें बेची जाती है। सबसे पहला तरीका ये है। दूसरा जो तरीका है गाइस, मैंने कल आपको बताया था, उसको बोलते हैं पीडीएफ या ई बुक सेलिंग, ठीक है। अब ई बुक को आप फ्री में भी दे सकते हो या आप इसको लो टिकट वेपन बना के आप इसका यूज कर सकते हो। अब लो टिकट वेपन क्या होता है भाई, क्या बोल दिया आपने, ओके, तो मैं बताता हूं मैंने क्या बोल दिया। अब क्या होता है देखो, और लोग एक ही बार मतलब एक ट्रांजेक्शन करने के लिए बहुत मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ा घबराते हैं आपके साथ कि क्या यार ये सही होगा, गलत होगा, अच्छा प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा। तो जो मतलब फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन होता है, उसको आपको करवा लिया अगर आपने, तो उसके बाद अगर आप $1,000 का, $2,000 का, जितने डॉलर का प्रोडक्ट आप उनको सेल करना चाहोगे वो 100% खरीदेंगे। जैसे कि देखना, आप कोई भी कंपनी रहती है वो पहले आपको कुछ छोटा सेल करती है। जैसे आप आसपास कहीं जाते हो किसी भी प्रोडक्ट कंपनी में, देखना किसी अच्छे कंपनी में, ब्रांडेड कंपनी में जाओगे तो वो पहले आपको छोटी चीजें सेल करते हैं, देन उसके बाद वो आपको बड़ी चीजें सेल करते हैं। तो ऐसे ही आप लो टिकट टू हाई टिकट पे जा सकते हो। सबसे पहले आप किसी को $10, $5 की चीज अपना ई बुक सेल करा दोगे, देन क्या होगा कि ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन हो गया, इसका मतलब कि आप पे उन लोगों का ट्रस्ट बन गया, देन आप उसको $500 या $1,000 की भी चीजें सेल कर सकते हो। अब ईबुक कैसे बनाना है आपको पता ही है कि canva.com और बहुत सारे तरीके हैं, बिल्डर बिल्डर सबका यूज कर सकते हो आप ईबुक बनाने के लिए, ओके। और इसके पीछे का क्या रणनीति होता है तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जाके जरूर देखो अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। सबसे पहले लो टिकट, देन उसके बाद हाई टिकट, बिकॉज जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन होता है, उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, उससे उस बायर को पता चलता है कि हाँ भाई ये जो बंदा है ये वैल्यूएबल चीजें देता है, तो इससे खरीदना सही रहेगा। और जो लास्ट जो चीज है जो लोग यूज करते हैं वो होती है फ्री थिंग्स और सर्विस, ठीक है।
फ्री थिंग्स एंड सर्विस। अब इसमें क्या होता है, अब गाइस इसमें क्या होता है, फ्री थिंग्स एंड सर्विस में आप लोगों को कोई कोर्स प्रोवाइड करते हो या फ्री ई बुक प्रोवाइड करते हो या उनको आप कोई सर्विस देते हो या उनको हेल्प करते हो, इसमें क्या होता है वो आप उनका ट्रस्ट गेन करते हो एंड देन जब ट्रस्ट गेन हो जाता है तो आप उनको सेलिंग करते हो। ठीक है, इसमें एक चीज और होती है, कुछ लोग डायरेक्ट हाई टिकट सेल कर देते हैं और कुछ लोग इसमें भी लो टू हाई जाते हैं ताकि जो मेन जो चीज है हाई टिकट वो ज्यादा से ज्यादा रुपीस की सेल कर सके। तो कुछ लोग क्या होता है डायरेक्ट हाई टिकट सेल कर देते हैं, वरना कुछ लोग पहले लो टिकट सेल करते हैं एंड देन हाई टिकट सेल करते हैं। तो ये तीन ही तरीके हैं हाई टिकट प्रोडक्ट को सेल करने के और सबसे तेज पैसे बनाने के लिए। और एक और चीज बता दूं जो बोनस पॉइंट में है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं, पहले लो टिकट आपसे बोलती हैं कि लाइक दिस की आप ये बंदे हो, आप हमारा प्रोडक्ट लो जो लो टिकट है एंड इसको कस्टमर तक ले जाओ एंड देन ये जो कंपनी है ये आपकी हेल्प करती है हाई टिकट को सेल करने में। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्लिक फनल्स। अब देखो क्लिक फनल्स क्या करता है, मैं बता दूं आपको, जो आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टेक्निक है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, सबसे पहले तो अपना एक लो टिकट प्रोडक्ट जो है उसको सेल करवा देंगी आपके जरिए किसी बंदे को। ठीक है, अब आपका इतना काम हो गया कि आपने उसे लो टिकट सेल कर दिया है, कुछ भी $10 का, $5 का, $20 का, $25 का, $100 का। देन ये कंपनीज आपकी हेल्प करती हैं इनको ईमेल भेज के रिटारगेट करके कि भाई आप और हमारा प्रोडक्ट खरीदो, हाई टिकट प्रोडक्ट खरीदो। देन ये हाई टिकट प्रोडक्ट खरीदने में आपकी हेल्प करवाती हैं, देन प्रोडक्ट बिक जाता है, आपको भी कमीशन मिल जाता है और कंपनी को भी फायदा हो जाता है। तो ऐसी भी कुछ कंपनीज है जिनका यूज किया जाता है हाई टिकट सेल करने। अब गाइस मैं बता दूं, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में हो और आप चाहते हो कि आप बहुत ज्यादा पैसा अर्न करो तो आपका जो मेन गेम है वो होना चाहिए कि मुझे हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करना है अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, फॉलोअर्स को, दोस्तों को, लोगों को, ताकि आप भी उनको हेल्प कर सको, उनको अच्छी से अच्छी बेनिफिट्स दे सको और उनको भी उनके ग्रोथ में उनकी हेल्प कर सको। याद रखो हमेशा जो मेन चीज है वो हेल्प करना है, वैल्यू देना है। जब आप हेल्प और वैल्यू दोगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ोगे। तो लोगों की हेल्प करते जाओ, जो आप सीखते हो उनको सिखाते जाओ, आप धीरे धीरे ग्रोथ में आगे बढ़ते जाओगे और आपकी ग्रोथ होगी ही होगी। तो बिलीव मी गाइस, लोगों को हेल्प करो, वैल्यू दो और आपका हाई टिकट सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो मैंने मेथड बताया उस पर थोड़ा गूगल करो, रिसर्च करो और मुझसे भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आके इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछो। अब मैंने हर संडे इंस्टाग्राम पे एक नया एपिसोड स्टार्ट किया है जिसमें मैं अलग अलग क्वेश्चंस पूछता हूँ और भी नॉलेज लोगों को देता हूँ। तो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन करो और ये जो तीन मेथड है इनके बारे में और कोई क्वेश्चन है तो करो और नीचे जो मैंने क्वेश्चन आपसे किया था पहले इस वीडियो के उसका आंसर जरूर दो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।